क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वसईपुर स्थित राजीव अली के मड़वी पाड़ा में आदिवासियों की 18 एकड़ की जमीन कुछ भूमाफियाओं ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किसी अन्य के नाम कर दी। यहां तक कि जमीनी 7-12 भी दूसरे के नाम कर दिया। वसई में लगभग 200 करोड़ की जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मालिकाना हक जताने का मामला सामने आया, जहां आदिवासियों से बिना पूछे उनकी जमीन के कागजात किसी और के नाम पर कर दिए गए। मामला पालघर जिले के वसई पूर्व राजीवली स्थित मड़वी पाड़ा का है। ये जो जमीन आप देख रहे हैं, ये 18 एकड़ की भूमि पर पिछले कई दशकों से मड़वी परिवार रहता आया है। कहने को तो ये वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में है, परंतु शायद ही उन्हें मनपा से कोई सुविधा मिली हो। हम जिस पगडंडी से आए हैं, ये देखकर तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि मनपा ने इन्हें क्या सुविधा दी होगी। वहीं हम आपको बता दें कि मड़वी परिवार के अधिकतर लोग अनपढ़ हैं। आपको बता दें कि ये आदिवासी मड़वी परिवार की जमीन है, जिनकी कीमत आंकी जाए तो लगभग 200 करोड़ से कम नहीं होगी। वहीं पिछले 2012 से इस जमीन पर कुछ क्षेत्रीय दबंग जमीन के सौदागरों की नजरें गड़ी हुई हैं। वहीं इस आदिवासी परिवार का आरोप है कि ये लोग हमारी जमीन हड़प कर बेदखल करना चाहते हैं। जमुना बारखे मड़वी हमसा कायमचाच घर है। यहाँ जुन्या वोला पासून ती सांगते का तुम्ही घर खाली करा ना, बाजूला जाते मी कुठे जाऊ न, मला कोण आहे माझ्या आपसणार। ही बघ पोरी बारकी आहे, ती पोराची वाढवले। माझा बारकू बारकू बाबराव मडवी। आम्ही जुन्यापासून इथेच जन्म केला आमचा इथे। फसवणूक ना जावी अनिल गुप्ता। प्रशासन से तुम्ही काय मांग करताय? वहीं इनके अनपढ़ होने का फायदा उठाकर दबंगों ने इस परिवार के फर्जी दस्तावेज बनाकर उनकी ये जमीन किसी प्रमिला ठक्कर के नाम कर दी। यहां तक कि जमीनी 7-12 में भी प्रमिला ठक्कर का ही नाम चढ़ा हुआ है। पालघर जिले के वसईपुर में स्थित मड़वी पाड़ा के कुछ आदिवासियों का कहना है कि कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे प्रशासन की मिलीभगत से इन आदिवासियों को बेघर करने का षड्यंत्र रचा है। आइए हम बात करते हैं इन्हीं आदिवासियों की बेबसी की कहानी, इन्हीं आदिवासियों की जुबानी। रोहिदास जगन कर्नाद, ये कम से कम 10 वर्षपर्यंत चालू है, 2010 चालू है। हाँ, पैशा की लालच पण दिली होती, पैसा धमकी पण दिली होती, तभी ना त्यावी अकाउंट जाली पण खुलली आपली तिकडे आंध्रा बँकमध्ये कांदोलीला, आणि ती आम्हाला माहितीच नाही। आणि ॲड्रेस प्रूफ आमचा टाकला कुठला, बोईसरचा। हां, आम्ही रहतो राजावलीला, आणि बोईसरचा पुरा त्यावी ॲड्रेस टाकला, आणि ते आम्हाला माहितीच नाही त्याचं काय। बँकेला कधी गेलेच नाही। हां, आम्ही नंतर आम्हाला असा एक माणूस होता इथं, त्याने एक नेला, तेव्हा माहिती पडलं का इथं आमची जा खाती खोलली आहेत, आणि 9 करोड टाकले त्याच्यात, आणि त्यावेळी त्या काढून पण घेतले, तरी आम्हाला माहिती नव्हतं हे 9 करोड। बँकेला कधीच विचारलं नाही आम्ही, कधी आम्हाला माहितीच नव्हतं ना। केलेले आहेत, काहीच जबाब भेटला नाही। सकू गोविंद मडवी। ते आता पूर्वीपासून राहत आहो आम्ही, आता म्हाताऱ्या झालो या जाग्यात। हे जावेत अनिल गुप्ता, काय सांगितलं त्याही काय सांगा, तुमची जागा आम्ही घेतो, पैसे देतो तुम्हाला, आता आम्हाला पैसेच नाही दिलं, आम्ही शिकलेलो नाही आहोत।
आम्ही सगळे अंगठावाले हाव आम्हाला माहितीच नाही साहेब तर आम्ही काय करू हा आम्ही गेलेच नाही बँकला काही बँक आहे काय ती आम्हाला माहितीच नाही आम्हाला एक दिवसान घरा खाली करायला लावल्या तर आम्ही काय रस्त्यावर जाऊन बसू का कोण आलेला आहे सांगायला हे अनिल गुप्ताचं माणूस आलेलं तेव्हापासून कधीपर्यंत आले आता गेलं 2 महिने झालं सारखं सारखं येत आहे ते नगरपालिकेचे म्हणजे कुठे सरकारी अधिकारी पण आलेत काय हा सगळं येऊन जातं चार चार पाच पाच जण घरी येत माझे संतन पैसे घे घर खाली कर लगे जागा मापून घे मग आम्ही जागा मापून देऊ ना आम्ही जाऊ काय आम्हाला राहाय जागाने ठेवले ते लोकांनी 30 लाख रुपये दिया निघल्यान पण ते काय देणार नाही ते फसवाय लागल्यान म्हणा किती परिवार आहे इकडे किती लोक राहतात इथं 5 घर आहान ते जागे आण मी राहतो तिथं म्हणजे सगळ्यांनाच घरा खाली कराय बोलतो तो कमीत कमी 100 लोक असणार शंभर नहीं तवड़ी हान। वहीं चौंकाने वाली बात ये भी रही कि इन आदिवासियों को तो पता ही नहीं कि आखिर प्रमीरा ठक्कर है कौन। आपको बता दें कि ये आदिवासी परिवार पूर्णतः अनपढ़ है। उसी का फायदा उठाकर भू माफियाओं ने कांदीवली के आंध्रा बैंक में इनके अकाउंट खुलवाए और उसमें 9 करोड़ से अधिक राशि भी डाली जिसे निकाल भी लिया गया। साथ ही कई संस्थाओं को लाखों एवं करोड़ों रुपए इसी बैंक खाते से दान भी किए गए। वहीं दूसरी बात ये भी सामने आई कि इन आदिवासियों के नाम पर कांदीवली में आंध्रा बैंक में उनके नाम का फर्जी खाता खुलवाया गया था और तो और उनके रहने का पता बोईसर दिखाया गया था और उस खाते में 9 करोड़ से अधिक की रकम डाली गई और उसे निकाल भी लिया गया। हैरत की बात देखिए, जिन लोगों को खुद की जीविका चलाने में परेशानी हो रही है उन लोगों के खातों से लाखों करोड़ों रुपए बड़ी बड़ी संस्थाओं को दान किए गए। आम लोग बैंकों पर भरोसा कर अपनी करोड़ों की पूंजी वहां जमा करते हैं, परंतु कुछ बैंकों के आला अफसर मोटी कमाई के चलते फर्जी खाते तक खुलवा देते हैं। जैसे इन चारों का खाता खुलवाया और सारे पैसे भी बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से गमन कर लिए गए। वहीं मड़वी परिवार ने बताया कि फर्जी दस्तावेजों के इस मामले को लेकर वे वालियु पुलिस स्टेशन गए थे, पर वहां उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने सभी पुलिस के वरिष्ठों को पत्र द्वारा मामले से अवगत करवाया। यहां तक कि पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी से भी मिले, परंतु उन्होंने भी इनकी बात नहीं सुनी। वहीं मड़वी परिवार ने बताया कि हम जब भी पुलिस के पास जाते हैं तो उसके थोड़े देर बाद ही कुछ जमीनी माफियाओं के लोग आकर धमकाने का काम करते हैं। वहीं वे कुछ पैसे लेकर मामला समाप्त करने की भी बात करते हैं। हाँ, ये ले लो। काय केलं पुलिस ने कंप्लेंट वगैरह दर्ज केली? केलती पण ते घेत नाही कंप्लेंट आमची। पुलिस काय म्हणते? आम्ही घेणार नाही। काय म्हणणार आपण? आम्ही पोलीस स्टेशनशी जाऊन आलो, काही आम्हाला इथे धमकी द्यायला येतात, मारायला येतात। फर्जी दस्तावेजों की गाथा यही नहीं रुकी। इस गांव से होकर रेलवे का एक प्रोजेक्ट जाने वाला है और जिनकी जमीन से रेल होकर गुजरेगी उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें मड़वी परिवार का नाम भी मुआवजे राशि में आवंटित हुआ। परंतु एक बार फिर फर्जी दस्तावेज दिखाकर 50 लाख की धनराशि प्रमिला ठक्कर ने निकाल ली। वहीं हम आपको बता दें कि जमीन के इन सौदागरों द्वारा कागजी हेर फेर कर जमीन हड़पने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इनके द्वारा ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। जावेद आणि अनिल शेठ माझे जोडीला त्यावेळी फसवणूक केली आणि असीच या लोकांच्या पण जोडीला फसवणूक केलेला आहे। ही त्याची एफ आय आर कॉपी आहे आणि मी कोर्टातून काढली। वही इन आदिवासियों का आप कहना है कि अब अगर प्रशासन से हमें न्याय नहीं मिलता है तो हमारे सामने आत्महत्या करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। अब इस आदिवासी मड़वी परिवार का कहना है कि अगर प्रशासन हमारी बातें नहीं मानता है तो हमारे सामने आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। माझी जागा माझे नाव झाली पाहिजे, सजा भेटायच पाहिजे, सजा भेटायच पाहिजे ते ना।
आम्हाला निष्ठा हाल लावल्याने करा, एक रुपयाची आशा नाही आम्हाला. लोकांचा काम धंदा, आम्ही शेतीवाडी करून खातो. हे लोक आम्हाला पैसे देत नाही. सजा कशी तरी भेटली पाहिजे. माणसा बेंबार पडतो, दवाखान्यात जायला पैसे नाही आम्हाला देत. मी बेंबार पडतो, माणस उद्या देत नाही. पोट भरण्यासाठी आम्ही शेतीवाडी करतो, कशी तरी लोकांचा काम धंदा करून सगळा काम करतो. आम्ही म्हातारे आहोत, आता काही जाऊ कामाला. आत्महत्या करू आम्ही. 30-40 लोक आहात जमीनवाल्या, तेवढ्या आम्ही जहीर खान मरू. अब देखना होगा कि प्रशासन इन आदिवासियों को न्याय दिलाता है या नहीं. वसई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट.